शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। लोगों का हिसाब आमाल का वक्त नजदीक आ पहुंचा है और वो गफलत में पड़े उससे मुंह फेर रहे हैं। उनके पास कोई नई नसीहत उनके परवरदिगार की तरफ से नहीं आती मगर वो उसे खेलते हुए सुनते हैं। उनके दिल गफलत में पड़े हुए हैं और जालिम लोग आपस में चुपके चुपके बातें करते हैं कि ये शख्स कुछ भी नहीं मगर तुम्हारे जैसा आदमी है, तो तुम आंखों देखे जादू की लपेट में क्यों आते हो। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो बात आसमान और जमीन में कही जाती है मेरा परवरदिगार उसे जानता है और वो सुनने वाला है जानने वाला है। बल्कि जालिम कहने लगे कि ये कुरान परेशान बातें हैं जो ख्वाब में देख ली हैं, नहीं बल्कि इसने इसको अपनी तरफ से बना लिया है, नहीं बल्कि ये एक शायर है, तो जैसे पहले पैगंबर निशानियां देकर भेजे गए थे उसी तरह ये भी हमारे पास कोई निशानी लाए। इनसे पहले जिन बस्तियों को हमने हलाक किया वो ईमान नहीं लाती थी, तो क्या ये ईमान ले आएंगे। और हमने तुमसे पहले आदमी ही पैगंबर बनाकर भेजे जिनकी तरफ हम वही भेजते थे, अगर तुम नहीं जानते तो जो याद रखते हैं उनसे पूछ लो। और हमने उनके ऐसे जिस्म नहीं बनाए थे कि खाना न खाएं और न वो हमेशा रहने वाले थे। फिर हमने उनके बारे में अपना वादा सच्चा कर दिया तो उनको और जिसको चाहा नजात दी और हद से निकल जाने वालों को हलाक कर दिया। हमने तुम्हारी तरफ ऐसी किताब नाजिल की है जिसमें तुम्हारा तस्करा है, क्या तुम नहीं समझते। और हमने बहुत सी बस्तियों को जो जालिम थी पीस डाला और उनके बाद और लोग पैदा कर दिए। जब उन्होंने हमारे अजाब को देखा तो लगे उससे भागने। मत भागो और जिन नेमतों में तुम ऐशो आसाइश करते थे उनकी और अपने घरों की तरफ लौट जाओ, शायद तुमसे इस बारे में दरियाफ्त किया जाए। कहने लगे हाय शामत, बेशक हम जालिम थे, तो वो बराबर इसी तरह पुकारते रहे यहां तक कि हमने उनको खेती की तरह काट कर और आग की तरह बुझा कर ढेर कर दिया। और हमने आसमान और जमीन को और जो मखलूकात इन दोनों के दरमियान है उसको खेल तमाशे के लिए पैदा नहीं किया। अगर हम चाहते कि खेल की चीजें बनाएं तो अगर हमको करना ही होता तो हम अपने पास से बना लेते, नहीं बल्कि हम सच को झूठ पर खींच मारते हैं तो वो उसका सर तोड़ देता है और झूठ उसी वक्त नाबूद हो जाता है। और जो बातें तुम बनाते हो उनसे तुम्हारी ही खराबी है। और जो लोग आसमानों में और जो जमीन में हैं सब उसी का माल हैं, और जो फरिश्ते उसके पास हैं वो उसकी इबादत से न तकब्बुर करते हैं और न उकताते हैं, रात दिन उसकी तस्बीह करते रहते हैं, न थकते हैं न थमते हैं। भला लोगों ने जो जमीन की चीजों से बास को माबूद बना लिया है तो क्या वो उनको मरने के बाद उठा खड़ा करेंगे। अगर आसमान और जमीन में अल्लाह के सिवा और माबूद होते तो जमीन और आसमान दरहम बरहम हो जाते। जो बातें ये लोग बनाते हैं तो अल्लाह जो मालिक अर्श है उन बातों से पाक है, वो जो काम करता है उसकी पुरसिश नहीं होगी और जो काम ये लोग करते हैं उसकी इनसे पुरसिश होगी। क्या लोगों ने अल्लाह को छोड़कर और माबूद बना लिए हैं। कह दो कि इस बात पर अपनी दलील पेश करो, ये मेरी और मेरे साथ वालों की किताब भी है और जो मुझसे पहले पैगंबर हुए हैं उनकी किताबें भी हैं। बल्कि बात यह है कि इनमें अक्सर हक बात को नहीं जानते और इसलिए इससे मुंह फेर लेते हैं। और जो पैगंबर हमने तुमसे पहले भेजे उनकी तरफ यही वही भेजी कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं तो मेरी ही इबादत करो, और कहते हैं कि रहमान बेटा रखता है, वो पाक है, उसके न बेटा है न बेटी, बल्कि जिनको ये लोग उसके बेटे बेटियां समझते हैं वो उसके इज्जत वाले बनते हैं, उसके आगे बढ़कर बोल नहीं सकते और उसके हुक्म पर अमल करते हैं। जो कुछ उनके आगे हो चुका है और जो पीछे होगा वो सबसे वाकिफ है, और वो उसके पास किसी की सिफारिश नहीं कर सकते मगर उस शख्स की जिससे अल्लाह खुश हो, और वो उसकी हैबत से डरते रहते हैं। और जो शख्स उनमें से ये कहे कि अल्लाह के सिवा मैं भी माबूद हूं तो उसे हम दोजख की सजा देंगे। जालिमों को हम ऐसी ही सजा दिया।